सर्वग्राही बिहार के अगर माहौल विभाग भाजपा भाई भाजपा आपकी सटीक हमें देखा तो ऐसे बसपा जीते का विकास नाम को कोनो चीजे ना रही है दोनों चीज ना बेरोजगार पढ़ लिख के बेचारे बैठा है बेरोजगार। अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी पर आए एसएसपी के जवान गुरुवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। जवान को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत का कारण बताया जा रहा है हार्ट अटैक। आप देखिए कि इस टाइम पर हमारे जो जिले यानी कि जो कटेरी है वहां पर कितने जवान और पुलिस बराबर आ जा रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा संख्या में इस टाइम पर उनकी पोस्टिंग हो रही है। और उसी पोस्टिंग में एसएसबी के जवान थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, उनकी पोस्टिंग हुई थी अंबेडकर नगर कटेरी चुनाव को लेकर, तो उनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। अब हम चलेंगे थोड़ा चुनाव के बारे में बात करेंगे। तो चुनाव का जो माहौल है भैया वो गर्मी पे गर्मी बनी है, हालांकि ठंडी की मौसम है पर गर्मी तो गर्मी होती है और गर्मी बन भी गई है। अच्छा, गर्मी बनाने वाले भी तो अपने हैं। अब चलिए हम देखते हैं कटेरी में भाजपा प्रत्याशी का पोस्टर, जिता दो वरना मार दो। किसका? धर्मराज निषाद जी का एक पोस्टर आता है जिसमें लिखा है अब की बार जिता दा या चिट्ठी पर लिटा दिया। देखिए पूरी कहानी हम बताते हैं आपको। अंबेडकर नगर कटेरी विधानसभा 20 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का इमोशनल पोस्टर गुरुवार शाम को नजर आता है जिसमें लिखा है या तो अब की जिता दा या टिकटी पर लिखा दा, मतलब तो इस बार के चुनाव में जिता दीजिए या मारकर अर्थी पर लिखा दीजिए, मतलब इमोशनली यहां पर लोगों को अटैच करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसा मतलब भाई आपके जिता था या तो आपकी मार था, तो सॉरी मतलब समझ लो लोगों का पोस्टर, अब पोस्टर से इमोशनल किया जा रहा है, इमोशनल से उनसे वोटिंग की समझ लो वोट मांगे जा रहे हैं इमोशनल पोस्टर लगाकर, ऐसे छवि बन गई है। दरअसल अगर हम बात करें कटेरी की तो कटेहरी पिछले तीन चुनाव चार चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बसपा की जीत हुई, इसके बाद फिर लालजी वर्मा बसपा से फिर समाजवादी पार्टी में जाते हैं और वहां से उनकी जीत होती है, फिर उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाता है और उनकी जीत फिर बम्पर वोटों से होती है। दूसरी तरफ प्रत्याशी थे रितेश पांडे, हालांकि रितेश पांडे तो इस टाइम पे अभी पूर्व सांसद हैं, खैर अभी हार चुके हैं। तो बात यही है कि अम्बेडकर नगर की जो कटेहरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। इंपॉर्टेंट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो प्रभारी बने हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसे में ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, ये भी सीट और मिल्कीपुर का भी सीट। खैर मिल्कीपुर की बात करें तो वो अभी कोर्ट की याचिका पर उसको रोक दिया गया, पेंटिंग में है, देखते हैं उसको कब होगा, उस पर आगे बात करेंगे। खैर अभी कटेरी की बात करें तो कटेरी में आप देखिए कि 2017 में जब चुनाव हुआ तो बसपा से लालजी वर्मा जी यहाँ पर प्रत्याशी थे और उनकी जीत लगभग 6,500 वोटों से, लगभग मतलब 10-20 या 100 वोट इधर उधर हो सकते हैं, 6,500 वोटों से होती है। फिर 2022 में वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं और वहां से प्रत्याशी बनते हैं, इस बार उनकी जीत लगभग 7,500 वोटों से होती है, इसमें भी 100-150 इधर उधर हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और चाहे 17 आप देखिए चाहे 22 देखिए, यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो थे अवधेश द्विवेदी। अब की बार के प्रचार में वो काफी अब की बार के उपचुनाव में काफी प्रचार और लोगों के बीच में जाना आना उनका हुआ करता था, ऐसे में उनका टिकट कट गया। हालांकि टिकट धर्मराज निषाद को दिया गया, पहले धर्मराज निषाद को बीजेपी से टिकट मिला था अकबरपुर से, वो वहां से हार गए थे। लेकिन अब की बार उपचुनाव में यहाँ पर बैकवर्ड कार्ड खेला गया, क्योंकि अगर तीनों चुनाव की बात करें तो ब्राह्मण द्विवेदी चल रहा था, तो ऐसे में भाजपा ने यहाँ से बैकवर्ड उतारा है धर्मराज निषाद को। अब देखना यह है यहाँ पर लगभग 95,000 जो हैं धोबी पासी वगैरह जो दलित वोटर हैं ये सबसे बड़ी भूमिका में है, इसके बाद ब्राह्मण है, फिर वर्मा है और निषाद है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैकवर्ड खेला गया है और बैकवर्ड प्रत्याशी को उतारा गया ताकि यहाँ की जो सीट है वो हाथों में आ चुके। पर इतनी आसान थोड़ी है, यहाँ आप देखिए बसपा का गढ़ था ये पहले, अभी बसपा से अमित कुमार वर्मा जी हैं, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते, ना सपा को हल्के में लिया जा सकता है ना बीजेपी को। ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि हमारे जिले में जो जवान हो चाहे पुलिस की पोस्टिंग हो चाहे जवान की पोस्टिंग हो अत्यधिक मतलब बहुत ही ज्यादा पोस्टिंग हो जा रही है। ऐसे में जो अगर विपक्ष की बात करें चाहे सपा नेता की बात करें और नेता की बात करें तो उनका कहना है कि अगर अधिकारी के द्वारा
या सीधे सीधे उनका कहना है कि हमारी वीडियो में है, एक लोग तो अभी ये कह रहे थे कि अगर बेईमानी नहीं हुई तो भाजपा यहाँ से नहीं जीतने वाली, अगर बेईमानी होती तब जाके भाजपा जीत सकती है, और इतने जवान की पोस्टिंग होती है तो मुझे तो ऐसा लगता है, इससे लगता है कहीं कर्फ्यू लगने वाला। खैर चुनाव की बात है, चुनाव तो इम्पोर्टेंट होता है, और चुनाव न्याय से हो, अच्छे से हो, ईमानदारी से हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ के जो SDM है, सॉरी DM साहब हैं, अविनाश सिंह ऐसे नाम उनका, तो उनका पूरा कहना है कि यहाँ का जो चुनाव होगा वो निर्धारित और ईमानदारी से अच्छे से चुनाव होगा। पर अगर हम लालजी वर्मा जी की बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं और जो पुलिस वाले हैं, लोगों के बीच में दबाव बना रहे हैं। खैर इसमें आगे देखना है, अभी तक तो हमारे पास कोई लोग नहीं मिले, लेकिन हम गांव में जाएंगे और वहां पर पता करने वाले भैया ऐसा कुछ माहौल है, नेता से मिलेंगे जो पार्टी के हैं, कार्यकर्ता से मिलेंगे, क्या माहौल है, इसके बारे में आगे बात होगी। खैर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि जवान की जो SSB के जवान जो आंध्र प्रदेश से अम्बेडकर नगर कटहरी के चुनाव में पोस्टिंग हुई थी, उनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से, ये सबसे बड़ी खबर है। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी रितेश पांडे की, थोड़ी बात करेंगे तो उनका आरोप है कि जो लोगों में जगह जगह शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सांसद के लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा कब्जा करके दबदबा बनाया जा रहा है। ऐसे में पहले जो चुनाव हुए थे उसमें अगड़ा पिछड़ा हो गया था, ये PDA के नाम पर लोगों को बहकाते हैं और धोखा करते हैं। ऐसे में PDA में धर्मराज निषाद जी हैं, यानी कि गरीब दल से वो भी आते हैं, तो ऐसे में देखिए पूरा का पूरा माहौल चाहे BSP की हो, चाहे BJP की हो, चाहे सपा की हो, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, सब एकदम दम दरूर से लगे हुए हैं ताकि ये सीट समाजवादी के हाथ से निकलने ना पाए, BSP इसको जीत जाए, BJP की प्रतिष्ठा जो है यहाँ पर वो बच जाए। ऐसे में प्रतिष्ठा का सवाल ये बना हुआ है। आपकी क्या राय है कटहरी की, ये आप बताइए। और कुछ लोग तो ये दिखा रहे हैं, सर्वे हम करके दिखा रहे हैं, भैया यहाँ से ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, सर्वे और भी कोई कुछ काम नहीं आता भैया। सीधी सी बात है, यहाँ तीनों प्रत्याशी, तीनों पार्टियां मजबूती में है, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है इस टाइम के जो बड़े मुद्दे देखे जा रहे हैं, बैकवर्ड में सभी हैं पर ब्राह्मण यहाँ पर मेन भूमिका में है, ब्राह्मण जिसके तरफ गया वही जीत हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।